इस बात का उल्लेख करना महोदय उचित होगा कि 19वीं शताब्दी में लड़कियों की शादी की उम्र 10 वर्ष थी। 1940 तक शादी की आयु को 12 से 14 किया गया। 78 में 15 साल तक की लड़कियों का ब्याह कर दिया गया। आज पहली बार इस अमेंडमेंट के माध्यम से महिला और पुरुष दोनों 21 साल की उम्र में समानता के अधिकार को देखते हुए शादी विवाह का अपना निर्णय ले सकते हैं। ये कहना कि अगर महिला शिक्षित नहीं है तो वो अपने अधिकारों का ना ज्ञान रख पाएगी ना उन अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएगी, देश की ग्रामीण अंचल की बहनों का इससे बड़ा अपमान इस सदन में नहीं हो सकता। आज इस सदन के सम्मुख मैं ये कहना चाहूंगी कि 2015 से लेकर 2020 तक हमारे देश में बाल विवाह रोकने की संख्या 20 लाख विवाह रोके गए हैं, ऐसे रिसर्च हमको बतलाती है। NFHS 5 का डेटा बतलाता है कि 15 साल से 18 साल की उम्र में 7% बेटियां गर्भवती पाई गई हैं। 18 साल से कम उम्र में 23% लड़कियों का ब्याह रचा दिया गया, जबकि कानून उसकी इजाजत नहीं देता। और आज जो लोग आपने अपनी बात रखी, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है, विरोध कर रहे हैं, अपनी बात रखी है ना, ऑनरेबल मिनिस्टर स्पीकिंग के आगे मंत्री जी उसको रिस्पॉन्ड कर रही हैं, महिला मंत्री है, आप कृपया सीट पर जाइए, शांतिपूर्वक सुनिए। डिवाइडिंग वुमेन द राइट, आप अपने आपने अपनी बात रख दी है। दैट दिस हाउस कैन नॉट बी विटनेस टू दैट डिसरिस्पेक्ट टू वुमेन इज माय कंटेंशन टुडे। महोदय, जिन लोगों ने कहा कि ये अमेंडमेंट सेक्युलर नहीं है, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट के कथन पर, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 382 ऑफ 2010। सुप्रीम कोर्ट का स्वयं मानना है कि ये एक्ट सेक्युलर एक्ट है और मुस्लिम पर्सनल लॉ की दृष्टि से भी, हिंदू मैरिज एक्ट की दृष्टि से भी, सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय की महिलाओं को समानता का अधिकार विवाह की दृष्टि से मिलना चाहिए। महोदय, इस निर्णय की सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, मार्मिक विषयों को मैं समझती हूँ। मेरे कथन में गतिरोध लाने वाले विपक्ष के सज्जनों से कहना चाहती हूँ कि मेरी बात को अगर पूरा सुन लेते तो उनका ध्यान इस बात पर आकृष्ट होता कि मैं स्वयं सरकार की ओर से यह प्रस्तावना करना चाहती हूँ कि स्टैंडिंग कमिटी में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो।